आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ सूरत में सूरत के नामांकित पर्सनालिटी सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर विक्रम पटोड़िया जी, जो सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है, उनसे हम विशेष मुलाकात करने जा रहे हैं। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में, और आज हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि सूरत में अभी सिद्धांत 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 सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सिद्धांत क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ कि जो सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी शुरुआत कहाँ से की, और ये मैंने ऐसा कुछ सुना है कि आपने जो पान की दुकान पे चूना मिलता है वहां से कुछ आपने शुरुआत की थी जी। और आज कैल्शियम लिक्विड चूना आप बना रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन कैसे रहा आपका, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैडम, इसकी शुरुआत 1996 में सूरत से हुई थी, कतरगाम एरिया में जी। हमारा जो मेन बिजनेस था वो मेरे फादर डायमंड वर्कर थे, कुछ काम कम होने की वजह से फैमिली के अंदर इतनी इनकम नहीं हो रही थी कि जिससे कि हमारा फैमिली रूटीन तरीके से चल सके जी। उसके बाद में अचानक से पिताजी को आइडिया आया कि क्यों नहीं बच्चे लोग ये पेप्सी खाते हैं जो, और पेप्सी का धंधा किया जाए। उसकी शुरुआत हमने की, लेकिन उसके अंदर लॉन्ग टाइम हम इसलिए टेक नहीं पाए क्योंकि इसके अंदर हमको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था जी। और स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़े तो ऐसा आइडिया आया पिताजी को कि अभी ये लोग जो पान खाते हैं तो पान फ्रेश रखने के लिए अगर चूना जो है उसको हम अलग से पैक करके पाउच साइज बना के देंगे तो वो कभी भी पान खाएंगे तो फ्रेश रहेगा। तो हमने 1996 के बाद तुरंत ही पेप्सी के साथ में चूना बनाना चालू किया, और उसके साथ साथ में स्टेप बाय स्टेप हमने उसको मार्केट के अंदर वन बाय वन एक एक दुकान पे जाके हमने कस्टमर को समझाया कि ऐसे चूने को खाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम था तो किसी को पता नहीं था कि ये चूने को इस्तेमाल भी कैसे किया जाए जी। तो पिताजी ने उसको समझाया, डेमो करके दिखाया, उसको रेडीमेड बना के बताया कि ऐसे इसको खाया जाता है, इसको इसमें इतना क्वांटिटी में डालना होता है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उसकी शुरुआत की, और एक के बाद एक स्टेप चढ़ते गए और ऊपर हम आते गए, और जैसे जैसे ऊपर आते गए उस हिसाब से हमको जो जो लगा कि हमको इतना यहाँ चेंज करना है, ये चेंज करना है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते करते आज हम एक अच्छी पोजीशन पे, और हम सबके लिए कुछ ऐसा लेके आए जो हेल्थ प्रोडक्ट के रिलेटेड हो गया जी। ये चूना की हम जो बात करते हैं, चूने के बारे में बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को नहीं भी पता है। चूना मींस कैल्शियम होता है मेरे ख्याल से, तो इसका जो आपने अभी नया जो लिक्विड चूना बनाया है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन ये मैं ऐसे जानना चाहती हूँ कि मैं दर्शक मित्र आपको ये बताना भी चाहूंगी कि ये जो चूना है, चूना सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो वर्ल्ड की एकमात्र स्लेक लाइन कंपनी है, और इनके पास जो लाइसेंस है, शायद पहली बार ऐसा सुना होगा कि चूना वाले भी लाइसेंस लेते हैं जी। तो इनके पास जो लाइसेंस है FSSI का लाइसेंस है, WHO का भी है, GMP का भी है, ISO भी है, और USFDA का भी लाइसेंस है, और बहुत ही जल्द उनको हलाल का भी लाइसेंस मिलने वाला है। तो ये जो लिक्विड चूना है वो देश भर में, मतलब विदेश में भी ये मिलेगा ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत सारे मतलब लोगों की जितनी भी बीमारियां है, जो भी आजकल जंक फूड वगैरह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो इससे ये बहुत ही फायदा करता है। तो हम बिल्कुल ही विक्रम जी से ही जानना चाहेंगे कि ये जो चूना है वो क्या है और क्या फायदा करता है, जो आपने लिक्विड चूना जो बनाया है, कैल्शियम एल्डेक लिक्विड कैल्शियम चूना है जो है, उसके बारे में आप बताइए जी। सिद्धांत चूना यानी सब समझते हैं कि चूना मतलब वो पान में खाया जाता है, वो तो है, लेकिन चूने का यूज मल्टी यूज भी होता है, हर जगह पे उसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूना एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर से नेचुरली इतना सारा कैल्शियम मिलता है जो किसी और चीज से हमको नहीं मिलता है जी। और कॉस्ट वाइज भी बहुत सस्ता रहता है, और इसको हम लोगों ने जिस तरीके से बनाया और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब चूना जो होता है वो जमीन में से निकलता है जी। नेचुरल होता है वो,
लेकिन सबका कहना है कि चूना जो है उसको पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। हमारा कहना यह है कि हम जो चूना बनाते हैं, चूना है लेकिन उसको प्रोसेस क्या किया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जमीन में से जो भी चीज निकलती है उसके अंदर सिलिका, एयर, हैवी पार्टिकल, हैवी मेटल सब होता है, उसको रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो लिक्विड चूना बना तो है, लेकिन ये भी चीज है कि इसे क्या क्या फायदा होता है वो हम पहले जानेंगे, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट एंड अल्ट्राइन, ये सब आपने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो वो कैसे है? चूना यानी लिक्विड कैल्शियम, इसको हम 95% प्योर करते हैं और 95% प्योर करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने दो तीन चीज एक्स्ट्रा ऐड किया है, जिसके अंदर विटामिन D3 है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। जी कैल्शियम का काम है, कैल्शियम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जी कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर नहीं है तो अपने बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जी इसलिए हमको कैल्शियम डेली बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे कि हमारा मतलब 5 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिंदा रहता है उतने दिन उसको हर रोज कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अभी 1000 mg मतलब 1000 mg से 1200 mg तक कैल्शियम रूटीन लाइफ में हमको डेली कहीं से भी लेना चाहिए। अगर वो कैल्शियम रूटीन लाइफ में नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है उसको 1000 mg से 1200 mg तक का कैल्शियम नहीं मिलेगा तो अपना जो बॉडी है वो कैल्शियम को हड्डियों में से एक्सट्रैक्ट करेगा, निकालेगा, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो 1200 mg की कहीं से भी उसको पूरी करनी, अगर फूड में से नहीं मिला तो अपनी हड्डियों से वो कैल्शियम लेगा तो हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी और हड्डी जो है अपनी धीमे धीमे करके वो वीक हो जाएगी। तो ये तो कैल्शियम की हम बात हुई, क्योंकि आजकल सभी को यही प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम, B12, आयरन या तो विटामिन D3 नहीं मिलता है। सो और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है महिलाओं को मेरे ख्याल से। तो ऐसा मानना है कि ये जो चूना है, पीने का चूना जो सिद्धांत राइम का है, वो लेडीजों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। तो ये बात हुई हमारी चूने की, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि सब लोगों को ऐसा लगता है कि चूना पान की दुकान से अगर हम लेते हैं तो 2-3 रुपए का मिलता है, लेकिन ये जो चूना है उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, तो ये क्यों क्यों ऐसा फर्क है? हमारा चूना कॉस्टली है, महंगा है, क्योंकि चूना बहुत ही सस्ता होता है जो मिलता है वो। जी लेकिन सब इसको चूना ही समझ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अलग क्या है वो चूने से, वो मैं आपको बताता हूँ। जब चूना बनाते हैं उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर सिलिका, हैवी मेटल S और हैवी मतलब जो भी अशुद्धियाँ है उसको निकालनी पड़ती है, तब जाके वो चूना पीने लायक बनता है। लेकिन जो चूना है वो चूने के अंदर विटामिन D3 और मैग्नीशियम नहीं है, मतलब कोई भी कैल्शियम आप बाहर से लेते हैं या तो चूना पीते हैं, दूध पीते हैं, केला खाते हैं, उसको बॉडी के अंदर डिजोल्व करने के लिए हमको सुबह सुबह हर रोज के लिए 1 घंटे की धूप मिलनी बहुत जरूरी है। अगर वो धूप नहीं मिलेगी तो अपना जो बॉडी के अंदर कैल्शियम जा रहा है वो बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, और डिजोल्व नहीं होगा तो वो कैल्शियम कुछ भी काम का नहीं है। अभी समझ लीजिए कि आप एक फार्मर है, एक खेडूत है, तो आप किसान है, तो आपको बॉडी के अंदर सुबह सुबह आप खेत में तो जा ही रहे, तो आपको सनलाइट मिल गया उसमें से विटामिन D3 मिलेगा, आप दूध पी रहे हैं तो दूध, केला सब प्योर होता है गांव में, उसमें से कैल्शियम भी मिलता है। फिर भी गांव के अंदर सुनने को मिलता है कि आपको जॉइंट प्रॉब्लम है, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि वानी तकलीफ। जी हाँ जी, मतलब जो हाथ पग में सूजन चढ़ना वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम और D3
दोनों की रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन उससे पहले हमको बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम का काम जो है, मैग्नीशियम का काम बॉडी के अंदर ये है कि जो अपना ब्लड है और बोन है उसमें कैल्शियम का परसेंटेज अलग अलग होता है जी। ब्लड के अंदर 10% कैल्शियम है, बोन के अंदर 90% कैल्शियम है। जब आप कैल्शियम और विटामिन D3 बाहर से ले रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो डिसाइड करता है कि ब्लड में कितना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और बोन में कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। और मैग्नीशियम है वही वो डिसाइड करता है कि कहाँ पे कितना कैल्शियम जाना चाहिए। अगर मैग्नीशियम बॉडी के अंदर नहीं है तो आप जितना भी बाहर से कैल्शियम ले रहे हैं वो आपको फायदा करने की जगह नुकसान कर रहा है। और मैग्नीशियम आपको कहाँ से मिलता है, मैग्नीशियम की आपको नेचुरल फूड में से भी मिलता है। और सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट बात बता दो कि मैग्नीशियम आपको जो आरओ प्लांट है उसके अंदर वेस्टेज वाटर है, और वेस्टेज वाटर के अंदर जो मिनरल्स है उसके अंदर मैग्नीशियम, और अगर मिनरल्स आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, आप फिल्टर का वाटर पी रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम जा रहा है वो आपको फायदा की जगह नुकसान ज्यादा करवा सकता है। और हर एक प्रकार की डिसीज की शुरुआत वहां से होगी जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाएगा। ब्लड में कैल्शियम इसलिए बढ़ेगा कि मैग्नीशियम नहीं होगा, तो जितना भी आप कैल्शियम ले रहे हैं वो सबका सब कैल्शियम ब्लड में जाएगा, और ब्लड के अंदर एक्सेस कैल्शियम होगा तो आपको किडनी स्टोन वगैरह भी आपको हो सकता है जी। बहुत ही अच्छी, हम ये बोलते हैं कि पीने का चूना, मतलब ये सुनने, जो कोई लोग अचानक से ऐसे सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, तो आज हमें इतनी अच्छी जानकारी मिल रही है कि इसे अगर हम नहीं लेते हैं तो हम मूर्ख है, अगर इसे पीते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसा मैं कहना चाहूँगी आपको। और ये चीज़, अभी दूसरी बात हम ये करेंगे कि ये जो पीने का चूना है, लाइक एल्केड लिक्विड कैल्शियम, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो ये कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कैसे पिया जाता है, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। सुबह उठ के तुरंत ब्रश नहीं करना है जी, 250 ml वाटर लेना है जी, और वो पानी 9 शेका जो बोलते हो, मतलब गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, वैसा हल्का सा गर्म रहना चाहिए। उसमें हमारा जो अल्केल मतलब लिक्विड कैल्शियम का जो ड्रॉपर आती है जो 10 ml की है, उसको हिला के 2 ड्रॉप्स डालना है पानी में, और पानी को हिला के तुरंत पी जाना है, और 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। और शाम को सेम कि जब हम खाना खा रहे हैं उसके 1 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं है, और उसके बाद 1 घंटे के बाद 1 ग्लास गर्म पानी, उसमें 2 बूंद चूना डाल के हिला के उसको पी जाना है। तो उसको उसमें से आपको फायदा क्या रहेगा, जब आप 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को आप जब पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर 400 mg कैल्शियम जाता है, और मतलब रिक्वायरमेंट अपनी पर डे की 1200 mg की है, लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं वो 400 mg कैल्शियम ही दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बाहर से जो फूड खाने वाले हैं कोई भी, उसके अंदर से आपको बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इसके लिए हम अलग से एक ड्रॉपर लेके आए मार्केट में जी। बहुत ही अच्छा है कि ये 2 बूंद सुबह आपको सिर्फ पीना है, और बाकी की जो विशेष जानकारी है वो भी हम आपको दे रहे हैं कि ये जो चूना है वो 2 बूंद पीते हैं, लेकिन कौन पीना पिएगा इसको, मतलब कौन सी एज के लोग पी सकते हैं इसको। इसके अंदर 5 साल से लेके जी, जितने साल जिएंगे, मतलब 100 साल तक, 150 साल तक, जितने साल हम हमारी जिंदगी होती है तब तक हम उसको डेली बेस पे भी ले सकते हैं, और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। लेकिन कि ऐसा भी मानना है किसी का कि भाई ये अगर हम डेली पीते हैं तो इसकी हमें आदत हो जाएगी, जैसे पान खाते हैं तो पान की आदत हो जाती है, या किसी को किसी भी चीज का व्यसन है, तो ऐसे ये ऐसा होता है क्या? ऐसा मेरे को भी अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने पूछा था जी कि हम ये चूना ले रहे हैं तो हमको इसकी आदत तो नहीं हो जाएगी जी, क्योंकि वो भाई का ऐसा सोचना था कि पान में जो चूना खाते है जो टोबैको प्रोडक्ट के साथ खाते हैं वैसे ये चूना है, लेकिन ये चूना को आप मेडिसिन के तरीके से देखें, नहीं कि आप उसको हैबिट के तरीके से, मतलब ये कोई निकोटिन नहीं है कि इसकी आदत हो जाएगी जी। देखिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपके वहाँ पे एक बाइक है उसको चलाना है
तो उसके अंदर जितना पेट्रोल होगा उतनी बाइक चलेगी। अगर उसमें पेट्रोल नहीं और बाइक चला नहीं है तो नहीं चलेगी। वैसे अपनी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसको हर रोज का 1200 mg कैल्शियम चाहिए। अगर वो कैल्शियम नहीं मिलता है तो बॉडी जो है अपनी वन टाइप ऑफ इंजन है, और वो कैल्शियम को पूरा करने के लिए बोन में से कैल्शियम को निकालेगा, तो बोन अपना फिर बहुत ही कमजोर हो जाएगा। उसकी वजह से हमको रूटीन लाइफ में कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। इसे अभी मतलब पीने के बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पीते हैं तो शायद कई लोगों को ऐसा है कि हम कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लें, या तो चाय के साथ पी लें, या तो पानी के साथ अगर यूज नहीं करते हैं किसी और चीज के साथ यूज करते हैं, तो इसका फायदा क्या और नुकसान क्या है? चूना जो है, मतलब जो लिक्विड कैल्शियम जो है हमारा जी, जिसको पीने का एक ही तरीका है, सुबह उठ के बासी मुंह और शाम को सोने से पहले जी। अगर उसको चाय के साथ पियेंगे तो एसिडिटी होता है जी। अगर आपको एसिडिटी है और अगर आपने चूना पिया तो एसिडिटी जो है आपकी निकल जाएगी जी। एक ही प्रोडक्ट का मल्टी यूज है हाँ, उस हिसाब से, लेकिन उसको प्रॉपर यूज करना बहुत जरूरी है जी। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग इसको छाछ के अंदर डाल के पी सकते हैं, बिल्कुल नहीं पी सकते। खाने के साथ में चूना नहीं पिया जाता है। बहुत सारे वीडियोस भी ऐसा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप चूने को दाल छाछ मतलब कोई भी खाना है उसके अंदर डाल के भी पी सकते हैं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए क्योंकि चूना जो है वो अल्कलाइन है जी। और अल्कलाइन जब अपने अपना जो बॉडी है उसका जो सब पाचन होता है, जो भी डाइजेशन है, वो सब का सब अपना एसिड से होता है। अपने बॉडी के अंदर एसिड होता है और वही डाइजेशन करता है। और अल्कलाइन वाटर, ये मतलब कि अल्कलाइन जब आपने फूड में डाला वो फूड आपका अल्कलाइन हो गया, और अल्कलाइन वाला जो भी फूड बॉडी में जाएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और स्लोली स्लोली उसको आपकी साइड इफेक्ट दिखनी शुरू हो जाएगी जी। बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये भी एक बात है कि चूना अगर ऐसे ही हम पान की दुकान से लेके खाते हैं तो बहुत सारे लोगों को पथरी हो जाती है, ये मैंने सुना है जी। सो इससे क्या पथरी होगी या पथरी वाले लोग इसे पी सकते हैं क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है जी। गले से पान के दुकान से लेके जो चूना खाएंगे तो पथरी तो होगी, लेकिन बहुत सारी बीमारी और भी गिफ्ट में मिलेगी। और इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको समझाया कि जब चूना नेचुरल सोर्स है और जमीन में से निकलता है, उसको 1100 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद वो कली चूना हो जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है। और जब वो लाइमस्टोन बन गया तब उसके अंदर सिलिका एस हैवी मेटल सब प्रेजेंट होता है और उसको निकालना बहुत जरूरी है। और हैवी पार्टिकल मतलब जो आप पान गले से लेंगे चूना तो इम्प्योरीफाई है, और इम्प्योरीफाई लाइम आप नहीं पी सकते, और उसके अंदर विटामिन D3 मैग्नीशियम कंपल्सरी है। और जो हम ये चूने की बॉटल हम लोगों ने बनाई है उसके अंदर हमने ये सब एडिटिंग किया है, मतलब जो कैल्शियम विटामिन D3 मैग्नीशियम वो सबको अपनी US RDA के हिसाब से जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्पेशल हमारे वहाँ रिसर्च सेंटर के अंदर बार बार अलग अलग जगह पे टेस्टिंग होता है, और उसके बाद में हम मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जी। और इतने सारे लाइसेंस के साथ है और थोड़े टूक ही समय में इसको मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध किया जाएगा। सो ये एक हेल्थ प्रोडक्ट है, मतलब हम हमारी हेल्थ के लिए कुछ भी करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये एक हेल्थ प्रोडक्ट ही है। अगर एक बार इसे ज़रूर से यूज़ करिएगा, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका फ़ायदा क्या है। सो इसके फायदे तो हम लोग तो आपको बोल ही रहे कि इतने फायदे हैं, लेकिन जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसके फायदे क्या है। तो जरूर से इसे आप यूज करिएगा और पीजिए, क्योंकि महिलाओं को ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे एनर्जी लेवल भी शायद बढ़ता है। और हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं, ये प्रोडक्ट है हमारे जी सर, इसको चूना भी बोल सकते हैं और इसको लिक्विड कैल्शियम भी बोल सकते हैं। ये आपकी ये प्रोडक्ट है शुद्ध पीने का चूना सिद्धांत लाइन। आप देख सकते हैं कि ये ऐसी बॉटल आती है और शायद ये ड्रॉपर है,
और ये क्या है आज हम विक्रम जी से जानेंगे। जी सर, सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ 1996 से हम लोग चूना बना रहे हैं जी, और दीवार का चूना, पान का चूना, तम्बाकू में खाने का चूना, लेकिन पीने का चूना सबको, जब किसी को भी फर्स्ट टाइम सुनते तो बहुत नया लगता है कि ये पीने का चूना क्या होता है। तो पीने का चूना हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी इंसान इसको आसानी से समझ पाए। इसको हम लिक्विड कैल्शियम बोलेंगे। अभी इसके फायदे क्या है जी? कोई भी इंसान 1 साल से लेकर 100 साल तक का कोई भी, उसको हर रोज 1000 मिलीग्राम से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए जी। जो इसके अंदर से आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए उतना कैल्शियम आपको रूटीन लाइफ में ये चूना इस्तेमाल करने से मिल जाएगा। कैल्शियम आपको दूध, केला, छाछ, पनीर उसमें से भी मिल सकता है, डेयरी प्रोडक्ट में से आपको कैल्शियम ज़्यादा मिलता है जी। और रूटीन में आप सब फूड ले रहे हैं लेकिन अभी क्या है कि वो इनफ नहीं हो रहा है, कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जी। उसके लिए हम लेके आए ये लिक्विड कैल्शियम जी। इसको यूज कैसे करना है जी? सुबह उठ के तुरंत बासी मुंह एक गिलास यानी कि 250 ml जैसा नॉर्मल गर्म पानी लेना है, उसमें ये चूना जो है हमारा उसके अंदर एक ड्रॉपर आती है जी। जो एक ड्रॉपर है हमारे जी, इसको बराबर हिलाना है जी। और एक गिलास के अंदर 2 बूंदे जी डालने हैं और पी जाना है। मतलब थोड़ा सा वार्म वाटर उसको लेना है, वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर 2 बूंदे डाल के, आप 2 बूंदे डाल के पी जाना जी, उससे आपको हर रोज उठ के सुबह 1 गिलास पानी में 2 बूंद डाल के पीना है। उसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, और शाम को खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। बाद में वापिस थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी रहेगा उसमें 2 बूंदे डाल के हिला के पी जाना। उससे आपके बॉडी के अंदर हर रोज के लिए 400 mg कैल्शियम जाएगा। रिक्वायरमेंट है 1200 मिलीग्राम की, लेकिन हम जो दे रहे हैं 400 mg दे रहे। क्यों? क्योंकि बाकी का जो कैल्शियम है आपको सब फूड में से कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ भी मिल जाता है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट जो है, हमारा ये सोचना है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम जरूरत से ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए जी। हम आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं और बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी कमी कुछ ना कुछ हद तक पूरी करने में मदद करेगा। लेकिन कैल्शियम जो है, कैल्शियम बॉडी के अंदर इनफ नहीं है। कैल्शियम को बॉडी के अंदर डिजोल्व करने के लिए विटामिन D3 चाहिए। जो विटामिन D3 जो है आपको सनलाइट में से मिलता है। हर रोज सुबह 1 घंटे तक आपको धूप में खड़े रहना चाहिए, उसमें से आपको विटामिन D3 मिलेगा। और विटामिन D3 मिलेगा तो ही बाहर से लिया हुआ कैल्शियम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन D3 भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम नहीं है तो एक कैल्शियम कुछ भी काम का नहीं है। और इसलिए क्योंकि अपने बोन जो होते हैं, जो हड्डियां है उसमें 90% कैल्शियम है, और अपना जो ब्लड है उसके अंदर 10% कैल्शियम होता है जी। और अगर मैग्नीशियम बॉडी के अंदर नहीं है तो क्या होगा, जितना भी कैल्शियम बॉडी के अंदर जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के अंदर चला जाएगा और बोन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम ही डिसाइड करता है कि आपके बोन के अंदर कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है और आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कितनी रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है, जो RO वाटर है उसके अंदर, जो वेस्टेज वाटर है उसके अंदर जो मिनरल्स है उसी के अंदर मिनरल्स यानी मैग्नीशियम उसके अंदर, अगर वो आप वेस्टेज वाटर के अंदर मिनरल्स को निकाल देते और अगर आपके बॉडी में कैल्शियम जा रहा है तो सब जितना कैल्शियम लिया अब बॉडी के अंदर पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा जाएगा तो किडनी स्टोन होगा और हर प्रकार की बीमारियां भी हो सकती है जी। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमको रिवर्स साइकिल में जाना है। सबसे पहले बॉडी के अंदर मैग्नीशियम जाना चाहिए, फिर विटामिन D3 और उसके बाद में कैल्शियम जाना जरूरी है जी। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है, एंटीबायोटिक जी।
चूना नेचुरली एंटीबायोटिक है क्यों, और एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोई भी किसान जो है वो खेत में जाता है, उसको कोई घाव लगता था तो वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर किसान जो तम्बाकू की पुड़ी आती है उसके साथ में छोटा सा एक टोटी आता था चूने का, और चूना जो घाव है उसके ऊपर लगा देता था, तुरंत वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता था। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम होगा तो ही आपका ब्लड तुरंत का तुरंत क्लॉट होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, उसका इन्फेक्शन बॉडी में नहीं लगता है, जब भी आपने वहाँ पे चूना लगाया फिर भी उसका इन्फेक्शन बॉडी में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि चूना नेचुरली एंटीबायोटिक है, इसलिए उसका इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं लगता है। जी तो मतलब ये जो चूना है, पीने का चूना सिद्धांत लाइन प्राइवेट लिमिटेड का, ये एक ऐसा प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट है। अगर इससे पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें सभी को कुछ ही ना कुछ बीमारी है ही, और सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। और अपनी जो आज की लाइफस्टाइल के अंदर हम जो हमारा रूटीन है उसको भी हम प्रॉपरली रूटीन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल सुबह उठो, कब सोना, कब खाना, वो ही हमारा फिक्स नहीं रहता है। ज्यादातर तो ऑफिस के अंदर जो लोग जाते हैं सुबह उठ के जल्दी ऑफिस में चले गए, उसको सनलाइट तो मिलती नहीं। जी, और अगर उसका सोचना है कि हमको फूड में से कैल्शियम मिल जाएगा, लेकिन प्योरिटी अभी इतनी, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर इतना कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि जो भी आ रहा है ज्यादातर अभी आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल है फिर भी आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसको पकाने का, उसको ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द फल को बड़ा करने का सब आर्टिफिशियल तरीके से उसको बड़ा किया जाता है, तो अभी उसके अंदर से कैल्शियम मिल नहीं रहा है। तो अभी अपनी जो बॉडी है उसमें कैल्शियम पूरा करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट निकाला है। और दूसरा एक और भी चीज है कि जब 250 ml वाटर के अंदर ये अपनी ये बॉटल है चूने की लिक्विड कैल्शियम की, दो बूंद डालने से अपना 250 ml वाटर जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन मतलब जिसका पीएच 9 के आजू बाजू में है, 8 से आजू बाजू में, 8 से 9 पीएच का वाटर को अल्कलाइन बोला जाता है, और वो 250 ml वाटर को दो बूंद डालने से अल्कलाइन भी हो जाता है। जी, ये तो और भी अच्छी बात है कि हमें वाटर भी अल्कलाइन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पीने का चूना है वो ही अपने वाटर को भी अल्कलाइन कर देता है। तो मतलब बहुत सारे फायदे हैं, और इसकी कीमत भी बहुत कम है। पर आप अगर कंपैरिजन करने चाहोगे कि पान के गल्ले से अगर जो चूना मिलता है वो हम ले और इसको ले, तो इस दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि वो डायरेक्ट चूना आता है और ये जो चूना है वो पूरा प्रोसेस करके बनाया गया है, तभी इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन फायदे बहुत है। तो ज़रूर से आपको ये चूना पीना चाहिए। और भी जानकारी हम विक्रम जी से लेना चाहेंगे कि ये चूना कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, वो भी सर आप बता दीजिए। ये चूना मेडिकल स्टोर से मिलेगा, अगर आपके आजू बाजू के मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके सीधा ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर हो सकता है, siddhanlineprivatelimited.com, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा अभी जो बीमारियाँ हो रही है उसमें है, हमारे गुजराती में बोलते हैं वाह की तकलीफ, जॉइंट प्रॉब्लम, अगर चिकनगुनिया, जिसको था उसका हाथ पैर दर्द कर रहा है, किसी को हाथ पाँव में बहुत सूजन चल रही है, किसी को थायराइड है और डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऐसी हर एक बीमारियाँ, अगर किसी को नया फ्रैक्चर हुआ है उसका जॉइंट जल्दी करना है, या पुराना फ्रैक्चर है और अभी तक दर्द कर रहा है, और सब बीमारियों के अंदर ये हमारा चूना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये जो रिजल्ट है 3 दिन से 15 दिन के अंदर वो रिजल्ट दिखता है, और इस चूने की एक बॉटल 25 दिन तक चलती है, 25 डेज तक ये बॉटल एक चलती है। और ह्यूमन बॉडी को जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने इसके अंदर सब फॉर्मूला ऐड किया है, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है कि जिसको USFDA का लाइसेंस मिला है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम चूने के अंदर USFDA का लाइसेंस, फर्स्ट टाइम FSSAI का लाइसेंस, फर्स्ट टाइम ISO 45001 वो भी लाइसेंस फर्स्ट टाइम, मतलब ये अभी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट नहीं है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को
इंडिया के बाहर भी सेल करना चालू किया, जैसे यूएस है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर अपना नेपाल है, बांग्लादेश है, और सऊदी में भी बहुत सारी जगह पे हम लोग अभी बाइक कुरियर भेज रहे हैं। मतलब ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो है ही, लेकिन सबको ज़रूरत भी है प्रोडक्ट की, और सबको रूटीन लाइफ में इसको आज नहीं तो कल लेना इसलिए पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी पूरी करने के दो ही तरीका है, या तो आप हमारा ये लिक्विड कैल्शियम पीजिए, या तो आप कैल्शियम की टेबलेट लीजिए, लेकिन आज नहीं तो कल वो लेना तो कंपलसरी पड़ेगा अभी जमाने के हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे बेटर है कि हम ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो जाए, इसके लिए ये जो कंपनी के ऑनर है उनका ये भी, ये चैरिटी भी बहुत करते हैं और बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज भी बहुत करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लेकिन इनका मानना ये है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पिए, और जो आजकल की लाइफस्टाइल है और जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो उनकी सॉल्व हो जाए, ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाना ना पड़े और सब प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो, इसी के लिए ये उन्होंने प्रोडक्ट ये लॉन्च किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी, और भी हम बात करेंगे आगे बहुत सारी चीज़ों को लेके, और आप ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते रहिए और ऐसे ही जनता को फायदा करवाते रहिए। थैंक यू सो मच।